अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उनका नाम है उमाकांत देसाई और आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया। अपने कैरियर का आगाज़ 1934 से किया और 1985 तक आप फिल्मों में काम करते रहे। एक लंबा अरसा है, 50 साल का अरसा है। अब आते हैं आपकी फिल्मोग्राफी की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया। 1934 में आपने अपनी पहली फिल्म में काम किया और फिल्म का नाम है वीरंगना पाना और इस फिल्म में आपने उदय सिंह का किरदार अदा किया। 1935 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, बॉम्बे मेल, बॉम्बे की सेठानी, शमशीर अरब। 1936 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, पासिंग शू, आज़ाद वीर, स्नेह लता, तोप का गोला। 1937 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, ख्वाब की दुनिया, हिज हाइनेस। 1938 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, पूर्णिमा, स्टेट एक्सप्रेस। 1939 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, हीरो नंबर 1, हुक्म का इक्का। 1940 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, एक ही भूल, भूली लुटेरन। 1942 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, भारत मिलाप, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर एक मशहूर फिल्म है, इसमें प्रेम अदीब ने भी काम किया। 1943 में आपने एक फिल्म में काम किया और फिल्म का नाम है राम रजिया। 1944 में आपने फिल्म कविता में काम किया। 1945 में आपने 2 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम हैं, हमारा संसार, आधार। 1946 में आपने घूंघट फिल्म में काम किया। 1947 में आपने फिल्म समाज को बदल डालो। 1948 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, सत्यवंत सवित्री, ओ जाने वाले, आजा मिल, रामबान। 1949 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, फिल्मों के नाम है राजा भर्थरी, अनमोल मोती। 1950 में आपने 4 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, भीमसेन, हमारा घर, वीर, बबरू वाहन, सती नर्मदा। 1951 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, हमारी शान, लव कुश। 1953 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम हैं, नाग पंचमी, नौलखा हार, फुटपाथ। 1954 में आपने 3 फिल्मों में काम किया और फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, रामायण, मिस माला, श्री चेतनिया, महाप्रभु। 1955 में आपने एक फिल्म में काम किया, फिल्म का नाम है महासती सावित्री। 1956 में आपने गौरी पूजा में काम किया। 1957 में आपने दो फिल्मों में काम किया, फिल्मों के नाम है नीलमणि, कृष्ण सुदामा। 1959 में आपने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान में काम किया। 1960 में आपने फिल्म बॉम्बे सेंट्रल में काम किया। 1961 में आपने फिल्म सुहाग सिंदूर में काम किया। 1962 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, कानकू आने कन्हैया, प्राइवेट सेक्रेटरी। 1963 में आपने फिल्म सत्यवंत सावित्री में काम किया, इस नाम से पहले भी 2-3 फिल्में बन चुकी थी, साइलेंट भी और टॉकीज भी। 1965 में आपने फिल्म जन्म जन्म के साथी में काम किया। 1971 में आपने फिल्म प्रायाधन में काम किया। 1971 में ही आपने फिल्म गैम्बलर में काम किया। 1974 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, फिल्मों का नाम कुछ ऐसे हैं, कुंवर बेनून मामेरन, ये तमिल होगी या मराठी फिल्म होगी। 1974 में ही आपने फिल्म अपराधी में काम किया। 1975 में आपने फिल्म संत सूरदास में काम किया। 1977 में कुलवधू में काम किया। 1980 में 2 फिल्मों में काम किया, अभान लक्ष्मी और
सुरस्थरानो सिन चलबाए। 1983 में आपने फिल्म दूध दैया में काम किया, 1985 में फिल्म भगत नरसिंह मेहता में काम किया और आपकी आखिरी फिल्म थी नरसी भगत, ये 1985 में रिलीज़ हुई। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार उमाकांत देसाई के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।